सभ्यता शब्द का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इतिहास की एक छवि बनने लगती है। मानव के प्रारंभिक जीवन से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ है। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जीवन की और प्राचीन संस्कृति की उत्पत्ति इन्हीं सभ्यताओं से हुई है। प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास हमें धरोहरों, कलाकृतियों, उन्नत कृषि, भावी पीढ़ी को सांस्कृतिक गरिमा से परिचित करवाता है। मानव का इतिहास और यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति बहुत प्राचीन है। इस धरती पर हजारों सालों से ही सभ्यताओं का आना जाना लगा रहा है। इतिहास में तीन सबसे प्रमुख सभ्यताएं रही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इतिहास के इन तीन सबसे प्राचीन सभ्यताओं का अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आप इन सभ्यताओं के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो वाकई में आपकी जानकारी को बढ़ा देंगी। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है और इसी देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 10 ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपने पहले शायद ही कभी सुनी हो। नंबर 10, यह अपने समय में पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह थी, इसलिए इसे प्राचीन समय का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है और इसकी खोज से प्राचीन इतिहास की समझ में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। नंबर 9, 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। नंबर 8, सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है और इसे हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, ईयर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक कस्बे के पास एक पुरातात्विक टीले की खोज की और ईयर 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग था। नंबर 6, दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो नगर में राजाओं को कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। नंबर 5, मोहनजोदड़ो के बारे में एक विशेष बात यह थी कि यहाँ पर विशाल स्नान घर पाए जाते थे और हड़प्पा नगर में लोग घर बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंटों का उपयोग करते थे। नंबर 4, सिंधु सभ्यता के काल में भारतवासियों का जीवन उच्च स्तर का था। वह स्वभाव और दिखावे के स्थान पर सुविधा व स्वास्थ्य को अधिक महत्व देते थे। इस काल में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से माना जाता है कि समाज और परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शायद घूंघट निकालने की प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में भी देवी शक्ति मानकर उपासना करते थे। यहाँ पाई गई एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है।
विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका संबंध पौधों के जन्म से रहा होगा। इस काल में घरों के बाहर स्वास्तिक जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं और यह लोग अंधविश्वास, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। नंबर 2, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि प्रधान था। यहाँ बने चित्रों के आधार पर पता चलता है कि लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल की खेती करते थे। इन लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था और ये लोग घोड़े और लोहे के बारे में नहीं जानते थे। इन लोगों को जब व्यापार के लिए नापतोल की आवश्यकता हुई तो इन्होंने इसका भी प्रयोग किया। यहाँ मिले बाट से पता चलता है कि तोल में 16 या उसके आवर्तक जैसे 16, 32, 28, 64 का प्रयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपये 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा यानी 1 किलो में 16 कनवा। नंबर 1, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। यह जगह अपने आप में उस समय में पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ इसका पता आज तक नहीं चल सका है। अनेक विद्वानों के इस बारे में अलग अलग मत है। सिंधु सभ्यता के मिटने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण, बाढ़ आना, महामारी, आर्थिक कारण, बाहरी आक्रमण आदि। इस सभ्यता के पतन का कोई एक ऐसा कारण नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से इसका विनाश हुआ माना जाता है। उस काल में रहने वाले निवासियों के परिश्रम से बनाए गए नगर अब खंडर बन गए, लेकिन अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति नष्ट नहीं हो सकी। भारतीय संस्कृति के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। प्राचीन सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण इलाका है मेसोपोटामिया। दोस्तों, अब आप जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में 11 ऐसी बातें जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो। नंबर 11, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की दूरी। यह इलाका दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच में पड़ता है जिसका आधुनिक नाम इराक है। मेसोपोटामिया की आकृति अर्धचंद्र सी है और यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ भी है, इसलिए इसे उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहते हैं। नंबर 10, मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई हैं, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्डीरिया। इन सभ्यताओं के विषय में यह कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर पर पहुंचाया और असीरिया ने इसे आत्मसात किया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया के मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई है उसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया है। नंबर 9, मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसे एक कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम में इसी सभ्यता में हुआ था। नंबर 8, बेबीलोन के प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी ने एक विधि संहिता बनाई थी जो इतिहास में हम्मुराबी संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर लिखवाया था। हम्मुराबी का दंड विषय सिद्धांत यह था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून। नंबर 7, मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया की नगरों की खुदाई में मिली हैं। नंबर 6, इस सभ्यता के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। यह लोग खगोल विद्या में निपुण थे। इन लोगों ने सूर्य और चंद्रमा के उदय व अस्त होने के समय की गणना कर ली थी। उन्होंने दिन और रात्रि के समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। नंबर 5, मेसोपोटामिया के कलाकारों ने
मेहराब का आविष्कार किया। मेहराब एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक लगती थी। नंबर 4, मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेरिया में हुआ। सुमेरियन व्यापारियों ने हिसाब किताब रखने के लिए किली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया, जिसे कोनीफॉर्म या किलोक्सर कहते हैं। नंबर 3, पाइथागोरस प्रमेय मेसोपोटामिया की ही देन है। दुनिया के लिए मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा योगदान गणित और गणना का है। नंबर 2, प्राचीन मेसोपोटामिया सबसे प्रभावशाली सभ्यता के रूप में रही। उन्होंने शहरों का निर्माण किया, कुमार के पहिए का आविष्कार किया, लेखन कला को विकसित किया, धातु का उपयोग किया, कानून संहिता प्रदान की। मेसोपोटामिया के निवासियों ने ही विश्व को सबसे पहले मेहराब, गुबंद और स्तंभ बनाना सिखाया। नंबर 1, सिकंदर महान ने 329 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता को नष्ट कर दिया और ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामिया की परंपराएं और जीवन दर्शन भी खो गए और अब इसे फिर से हजारों साल बाद खोजा गया और इसे लूर्वे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता अपने आप में बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है और ऐसे ही 12 रोचक बातें आप जानने वाले हैं। नंबर 12, लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नंबर 11, मिस्र के शासक फराओ मतलब राजा कहलाते थे, जो जनता के प्रति निरपुंस थे। फराओं का आदेश मिस्र वासियों के लिए कानून था, लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। नंबर 10, नील नदी की तलहटी में बसे होने के कारण मिस्र एक उपजाऊ प्रदेश था, इसलिए मिस्र वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न भंडार कहा जाता था, क्योंकि यहाँ वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। नंबर 9, मिस्र वासियों के प्रमुख देवता सूर्य, नील नदी तथा चंद्रमा थे। मिस्रवासी परमात्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। संपूर्ण मिस्र में प्रत्येक नगर का एक प्रधान देवता होता था। इस प्रकार मिस्र में देवी देवताओं की संख्या लगभग 2200 थी। नंबर 8, मिस्र अपनी मम्मी फराओं और पिरामिडों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मिस्र वासियों में यह मान्यता थी कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, इसलिए वे शवों पर एक विशेष प्रकार का लेप करते थे, जिससे शव सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहता था। शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई गई, जिन्हें पिरामिड कहा गया, और पिरामिडों में रखे शवों को मम्मी कहा गया। मम्मी का निर्माण रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नंबर 7, यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मिस्र में राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को उनके साथ जिंदा दफनाया जाता था। इसके लिए पहले नौकरों को बेहोश किया जाता था, उसके बाद उन्हें दफनाया जाता था। नंबर 6, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीजे का पिरामिड सबसे प्राचीन है, जो कि मिस्र में है। गीजे का पिरामिड 481 फीट ऊंचा तथा 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं। इसके बाहर पत्थर की एक विशालकाय नरसिंह की मूर्ति बनी हुई है। नंबर 5, मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक उपकरणों के, ये विशाल पाषाण खंडों का इतना ऊंचा पिरामिड बनाया कैसे गया। यह पिरामिड महज 23 वर्षों में पूरा किया गया और भविष्य में तकनीकी के माध्यम से भी ऐसा पिरामिड बनाना संभव नहीं है। नंबर 4, इन पिरामिडों से पता चलता है कि मिस्रवासी गणित और ज्यामिति के बारे में भी जानते थे। मिस्र के लोगों ने तारों व सूर्यों के आधार पर कैलेंडर बना लिया था तथा वर्ष के 360 दिन की गणना कर ली थी। इन्होंने धूप घड़ी का भी आविष्कार कर लिया था और इन्होंने पेपिरस वृक्ष से कागज का निर्माण भी किया था। नंबर 3,
नील नदी को मिस्र की जन्मदायिनी कहा जाता है। प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। यदि मिस्र में नील नदी नहीं होती तो मिस्र एक विशाल रेगिस्तान होता। नंबर 2, मिस्र में यदि कोई बोना पैदा होता था तो उसे खुश किस्मत माना जाता था, क्योंकि बोने लोगों को और विचित्र शक्ल वाले लोगों को वहां आसानी से नौकरी मिल जाती थी, और नौकरी भी सोने के कारखानों में। ऐसा इसलिए क्योंकि विचित्र शक्ल वाले लोग अगर चोरी करके भाग जाएं तो आसानी से पहचान में आ जाएं और उन्हें पकड़ा जा सके। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि मिस्र में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धीरे धीरे 10वीं सदी में मुसलमानों के आक्रमण के बाद यहाँ धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।